लेकिन जो दिक्कत हमने अभी आपको बताई थी कि यात्री ट्रेन से दूसरे शहर से तो दिल्ली पहुंच गए, अपने गंतव्य को पहुंच गए, अपने घर कैसे जाएं, दिल्ली पुलिस ने ये दुविधा भी अब दूर कर दी है। एक बड़ा ऐलान अभी हुआ है कि रेलवे स्टेशन से यात्रियों को घर पहुंचाने के लिए अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC की बसें चलाई जाएंगी, जिससे यात्री दिल्ली में अपने घरों को पहुंच सकें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जितने भी यात्री और शहरों से पहुंचेंगे, उनको दिल्ली में उनके घर पहुंचाने के लिए अब DTC की बसें स्टेशन पर लगेंगी और वो उनसे अपने घरों को जा सकते हैं। तो चलिए, कम से कम दिल्ली शहर के लोगों के लिए तो ये परेशानी दूर हुई। अब और शहरों में ऐसा कोई कदम उठाया जाता है नहीं, इसका इंतजार करना पड़ेगा। बस का जो अनुभव था उसमें यह देखा गया कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास अपने वाहन नहीं थे और उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे डिपेंड होना पड़ता है, उन लोगों का खास ख्याल रखते हुए ये प्लान किया गया है कि कल से उनके लिए DTC की बसें अवेलेबल कराई जाएंगी, जो दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक, जो DM ऑफिसेज हैं वहाँ तक का रूट तय करेंगी और उन बसों में लिमिटेड नंबर ऑफ पैसेंजर्स, जो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से मुनासिब है, उतने पैसेंजर्स उन बसों में जाएंगे। इससे हमारी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि स्टेशन से बाहर निकलने के बाद जिन लोगों के पास अपने वाहन नहीं है उनके लिए एक मुश्किल के घड़ी थी कि वो कौन सा वाहन यूज़ करें, कैसे जाएं। DTC के ऑपरेशन के बाद उनकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा और DTC अथॉरिटीज़, रेलवे अथॉरिटीज़ और दिल्ली पुलिस ये सब मिलकर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले हर यात्री को सीमलेस सर्विस प्रोवाइड की जा सके।